Performance obviously is a key consideration. If your application is not performing obviously it will not be accepted well by the end user, or it will, it will make or break the application. So you should identify your performance objectives first, early in the design phase when you are. थिंकिंग अबाउट कि क्या, क्या क्या किस तरह हमें किस चीज़ पे परफॉर्मेंस चाहिए ये बाद में इसको ठीक करना अर्ली डिज़ाइन फेज़ पे ये काम होता है बाद में इसको बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो बड़ी मुश्किल हो जाती हैं तो ये आर्किटेक्चरल लेवल की ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसिड्रेशन है सो so, ये एक नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स आपको इस तरीके से गैदर करने की ज़रूरत है जो परफॉर्मेंस से रिलेटेड है दिस विल इंक्लूड द रिस्पॉन्स टाइम थ्रू पोट सी पी यू मेमरी एंड डिस्क आईओ यूजेज दीज आर सम्यू की फैक्टर्स दैट यू मस्ट ऑलवेज कीप इन माइंड किया चीजों के अराउंड सोचना है जब आप अपनी एप्लीकेशन को आप डिज़ाइन कर रहे हैं परफॉर्मेंस के सिलसिले में जो इम्पॉर्टेंट गाइडलाइंस हैं वो ये हैं कि यू नीड टू इंश्योर दैट दी परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट्स आर स्पेसिफिक रियलिस्टिक एंड फ्लेक्सिबल। सबसे पहले जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है बिकॉज दिस इज अ नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट ठीक से लिखी ही नहीं जाती एम्बिग्स होती इट हैज टू बी क्लियर एवरीबॉडी शुड नो कि एक्सपेक्टेशन है क्या टेस्टेबल होनी चाहिए जो कि अच्छी रिक्वायरमेंट की एक क्राइटेरिया ठीक है तो ये इंपॉर्टेंट चीज है जिसको आपको समझना है और देखना है हमेशा याद रखना है कैशिंग ठीक से की हुई कैशिंग परफॉर्मेंस को एकदम से बढ़ा देती है फंडामेंटल ये एक रोल प्ले करती है अगर आपने कैशिंग ठीक की हुई है और अगर आपने कैशिंग ठीक नहीं की हुई साथ साथ में उसमें इश्यूज भी आ जाते हैं कि अगर आपने ठीक नहीं की हुई तो आप कई बार गलतियां कर जाते हैं इन ऑर्डर टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस वी नीड टू परफॉर्म बैच ऑपरेशंस टू मिनिमाइज राउंड ट्रिप्स अक्रॉस बाउंड्रीज राउंड ट्रिप्स को कम से कम करना है जितना आप राउंड ट्रिप को मिनिमाइज uh, कर सकेंगे आपके नेटवर्क के ओवरहेड बढ़ जाए uh, कम होंगे और उससे आपकी परफॉर्मेंस बेहतर होगी So basically what we are talking about is we want to reduce the volume of HTML transferred between server and the client. Jitna isko minimize aap kar sakte hain, utna aap isko minimize kare. And avoid unnecessary round trips. तो ये आपके जो performance के दो तीन बड़े बड़े मोटे principle हैं caching and round trips. ये दो चीज़ें हैं अगर आप इसको ठीक से करते हैं आपकी परफॉर्मेंस बहुत बेहतर होगी बहुत सारे केसेस में आपकी डेटा बेस के भी ठीक से डिज़ाइन करना और वो सारी चीज़ें वो तो हम उस पर बात नहीं कर रहे हम आर्किटेक्चरल लेवल पे चीज़ों की बात कर रहे हैं ठीक है जी फ्रॉम एन आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू ये एक इम्पॉर्टेंट कंसिड्रेशन ये होती है कि आप राउंड ट्रिप कम करें और कैशिंग प्रॉपर करें लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप इसमें गलतियाँ करते हैं खासतौर पर कैशिंग में तो वो एक आपका सिक्योरिटी रिस्क भी हो सकता है और आपको गलत रिजल्ट्स भी दे सकता है तो बी केयरफुल